दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे तपीर जानवर के बारे में। तपीर एक कठोर व मजबूत शरीर वाला स्तनपायी जानवर है। तपीर का सूंड हाथी की तरह एक छोटा सा लचीला सूंड होता है। इसी वजह से यह बाकी जानवरों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। तपीर उष्णकटिबंधीय अमेरिका और मलेशिया के जंगलों के मूल निवासी हैं। तपीर शब्द देशी ब्राजील भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है मोटा। तपीर की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं और इन सभी प्रजातियों के तपीर का आकार लगभग एक समान ही होता है। यह पैर से कंधे तक 75 से 110 सेंटीमीटर तक ऊंचे होते हैं और इनका वजन लगभग 225 किलोग्राम से 370 किलोग्राम तक हो जाता है। इन प्रजातियों में से सबसे बड़े टपीर मलायन प्रजाति के होते हैं। इस प्रजाति के टपीर का वजन लगभग 360 किलोग्राम तक हो जाता है। ज़्यादातर टपीर दक्षिणी अमेरिका में रहते हैं। टपीर जंगल, वर्षावन, पहाड़, घास के मैदान व अच्छे जल स्रोत वाले क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। टपीर एक शुद्ध शाकाहारी जानवर है। यह खाने में फल, फूल, घास, पेड़ों की छाल व पेड़ों की पत्तियां खाता है। कुछ टपीर सामाजिक भी होते हैं जो समूह में रहना पसंद करते हैं। टपीर के इस समूह को मोमबत्ती कहा जाता है। टपीर हल्के भूरे रंग, काले सफ़ेद धारीदार, बेज धारीदार, ललोयरे व सुरमई रंग के होते हैं। मादा टपीर का गर्भकाल लगभग 13 महीने का होता है और यह केवल एक ही बच्चे को जन्म देती है। टपीर का बच्चे को बछड़ा कहा जाता है। इसका वजन जन्म से 8 से 12 किलोग्राम का होता है और वह जन्म के कुछ घंटों के बाद ही खड़ा हो जाता है। मादा टपीर बछड़े को लगभग 1 साल तक दूध पिलाती है। उसके बाद बछड़ा अपना पालन पोषण अपने आप करने लगता है और यह 2-3 साल की उम्र में ही सहवास भी करने लगता है। अमेरिका में टपीर का प्रतिवर्ष 27 अप्रैल को विश्व टपीर दिवस भी मनाया जाता है। टपीर को बहुत सी प्रजाति पानी में रहना पसंद करती हैं। इन प्रजाति के टपीरों को तराई टपीर कहा जाता है। टपीर का जीवन काल लगभग 30 से 35 वर्ष का होता है।